साथ जोड़ देता हूं इसमें टॉप कॉर्न्स। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड पिक है वो है कैनफिन होम्स। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करीब चार दिन का एक करेक्शन था, वो लगता है करेक्शन बाउंस खत्म हो गया और एक रिवर्सल भी आ गया। ये पैटर्न इनिशियल है, ट्रेड करा 867 पर, स्टॉप होगा करीब 850 का, ज्यादा नहीं 17 रुपए का। टारगेट फर्स्ट है 890, उसके बाद 900 भी पॉसिबल है कैनफिन होम्स। ओके कैनफिन होम्स गाबा सर की तरफ से। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगी दैट विल बी एचसीएल टेक के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे, और मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छी मोमेंट आनी चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी फेवरेबल, दैट इज व्हाई वी आर सिलेक्टिंग दिस, एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स आर फेवरिंग इट। तो 1770 का एसएल लगाएंगे और 1805 का होगा टारगेट। आगे आईटी स्टॉक एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रचना जी का आज का एक सबसे प्रेफर्ड बाय आइडिया। बैती साहब गुड मॉर्निंग। बैती साहब आज का टॉप कॉल। आशीष जी मेरे भी टॉप कॉल में आईटी रहेगा, मिड कैप आईटी, परसिस्टेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि आईटी में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है, तो मिड कैप आईटी में से परसिस्टेंट सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा दिखा रहा है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। 5200 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 5400 और 5500 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह। ओके अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी इस समय का मेरा टॉपिक रहेगा इंडिगो। इंडिगो का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और कल के सत्र में हमने यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट देखा था। स्टॉक ने दो दिन पहले लगभग 10 EMA पे रेस्ट किया और वहीं से एक अपथ्रस्ट जनरेट किया है, तो इंडिगो बाय करें। पहला टारगेट रहेगा 5100 का, दूसरा टारगेट 5150 का, स्टॉप लॉस रहेगा 4830 का। इंटर ग्लोब एविएशन कल ही बिग स्टॉक्स में था, शायद कल था लीजिए, कल भी, कल के बाजार में भी दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। अभी मैं आगे मेंशन करूंगा इसके सीईओ की कमेंट्री अपने नेटवर्क से बातचीत में, क्या एग्रेसिव कमेंट्री। खैर वो जब वो स्टॉक प्राइस बता रहा है, वो स्टॉक प्राइस बता रहा है, वो सीईओ को सुनने की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊं ना, अगर आप ट्रैवल करते हैं ना जैसे कि हम सब करते हैं, वो एयरपोर्ट पर जाके दिखता है। स्टॉक मार्केट में ना जो सबसे अच्छे प्लेस होते हैं ना, वो नॉर्मली आपको अगर आप ट्रैवल करते हैं तो या वहीं बाहर जाते हैं तो निकलते हैं। मैंने एक बार पॉलीकैप पर एक व्यू लिया था, तब मैं सीएनबीसी टीवी 18 में था, मैं कहीं खरीदने गया था शॉप पर, वो मैंने वहाँ पे हर कोई पॉलीकैप ही बेच रहा है, तब 600 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। तो ये कई चीज़ें होती हैं जो आप बस निकलेंगे ना बाहर आपको समझ में आ जाएगा क्यों डीमार्ट इतना चलता है। आप वीकेंड पे किसी भी स्पेशली पहले वीकेंड पे अगर कहीं चले जाएं डीमार्ट, वो समझ में आ जाता है। ये चीज़ें कुछ चीज़ें ना एकदम कॉमन सेंस होती हैं जो वहाँ से रैली आ जाती है स्टॉक्स में। रखिए भाई इंडिगो, यह है सेठ साहब का प्रेफर्ड आइडिया। सतपुते साहब का आइडिया के लिए चलते हैं पुणे। सतपुते साहब डगरू सेठ हुआ है नहीं हुआ है? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। नहीं आशीष जी आज अभी सैटरडे संडे में देखते हैं। अच्छा आशीष जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फोटो भेजिएगा खींच के जरा आप जब जाएंगे तो। आशीष जी आज का प्रेफर्ड पिक। या आशीष जी देखिए मेरी नजर बस अनुज जी ने इसको बोलते अनुज जी ने भी वही स्क्रिप्ट का जिक्र किया पॉलीकैप। हेवल्स पे एक लॉन्ग था हमारा लास्ट मंडे, तो मुझे लगता है ये जो सेक्टर है यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडीली लॉन्ग बिल्टअप है, लेकिन पॉलीकैप का अगर आप स्ट्रक्चर देखे तो कल इसमें शॉर्ट कवरिंग थी, ओपन इंटरेस्ट घटा था 7% एंड प्राइस वॉज अप बाय 1.5%, तो इट वॉज अ शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट। तो आज भी लगता है कि पॉलीकैप पे नजर रखे, मुझे लगता है कि इसका टारगेट होगा 6900 से लेके 6950, तो डिप पे बाय करें 6775, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। कल कुछ हो रहा था वायर स्टॉक्स में, सिर्फ पॉलीकैप नहीं, कल आरआर काबेल भी आखिरी में अच्छे मूव्स दिखा रहा था। ये स्टॉक आई थिंक मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर इस स्पेस में, या तो कुछ ऑर्डर या कुछ शायद, लेकिन अच्छे मूव्स थे कल यहाँ इस स्पेस में। चलिए अब आज की कॉल्स पूरी हुई, आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं, थोड़ा सा एक टेक्नो फंडा अप्रोच से एक व्यू ले लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, क्या स्टॉक रहेगा आपके रेडार पर? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मेरे हिसाब से भी जो आज स्टॉक होगा थोड़ा सा रेपिटेटिव जरूर है, पर मुझे लगता है इंडिगो पर एक एक नज़र रहनी चाहिए। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पर पे हो रहा है
और मैं ये समझता हूँ, पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, उसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार की है, बट मुझे लगता है एक नई ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक एंटर होने की तैयारी कर रहा है। टेक्निकली 4700 पे एक बेस बनाया और मेरा मानना है 5600 तक की एक अपसाइड यहाँ देखने को नजर आ सकती है। अनुज, जो हमें सबसे अच्छी चीज इंडिगो में लग रही है, एक तो एयर ट्रैफिक जो है वो अभी अभी जो इस समय पे करीब करीब 22 करोड़ पैसेंजर दो फाइनेंशियल 24 में ट्रेवल कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट डबल होने की तैयारी कर रहा है बाय 2030, यानी कि यहाँ से 6 साल में एयर ट्रैफिक 51 करोड़ के आसपास आप देखेंगे पैसेंजर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। एयरपोर्ट का जो काउंट है वो ऑलमोस्ट अभी 140 जहाँ पे 144 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर में, वो नंबर 220 तक हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा यहाँ पर पे डेवलपमेंट आएगा। और इंडिगो जो है वो 60% मार्केट शेयर इस समय पर इस पूरे स्पेस में रखता है। हर वीक हम समझते हैं एक नया एयरक्राफ्ट इनके उसमें एडिशन होगा और कॉस्ट एफिशिएंसी के टर्म में इंडिगो सबसे लो कॉस्ट यू नो है, ना सिर्फ इंडिया में ग्लोबली भी आप देखेंगे टॉप 10 के अंदर में भी इंडिगो की जो इंडिगो जो है लो कॉस्ट कैरियर के नाम पे सबसे सबसे चीपेस्ट है। तो इन सभी पैरामीटर्स पे अगर से आप देखते हैं और क्रूड के गिरने के बाद अब यहाँ पर पे टेलविंड और ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पिक इस समय पे इस पूरे फॉलिंग क्रूड का इंडिगो नजर आ सकता है। बढ़िया है भाई साहब, इंटरग्लोब एविएशन टेक्निकली भी साउंड और फंडामेंटल्स भी ब्यूटीफुली चतुर्मोदा साहब ने हाईलाइट कर दिए हैं, क्यों इसके लिए और भी टेलविंड्स हैं यहां से उड़ान भरने के लिए। पर एक लफड़ा हो गया, अपने व्यूअर्स के पास चॉइस लिमिटेड हो गई, अपना था कि तश्तरी में बहुत कुछ परोस दो, अभी दो दो सब्जी एक सी ऑर्डर करता सुनना है तश्तरी में। सेठ साहब या चतुर्मोदा आप में से एक बदल दो इंटरग्लोब एविएशन। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल सेठ साहब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे जा रहा था, तो चतुर्मोदा साहब पहले रेडी हो गए। हाँ, बताइए सर। से नहीं बदलाऊंगा क्योंकि उन्होंने जब पहले दिया है तो उनका पहला राइड बनता है और हम तो क्या है, हमें तो पसंद है, तो आज बोलेंगे तीसरे दिन फिर वापस इंडिगो हमें पसंद आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक एक स्पेस को मिस नहीं करना चाहिए, वो है फार्मा स्पेस। यहाँ पर पे डिवीज लैब आप देखेंगे आशीष, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब एक नए ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। और जब इस तरह के कंसोलिडेशन के लंबे समय पे ब्रेकआउट होते हैं तो उसके पीछे के फंडामेंटल रीजंस को जानना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से डिवीज लैब, एक तो आप देखेंगे कि एपीआई के अंदर में जो खासतौर पर स्पेशलिटी एपीआई है उसके अंदर में सबसे बढ़िया प्लेयर है, सीडीएमओ के नाम के अंदर में बड़ा प्लेयर है। और अब क्योंकि बायोसिक्युलर एक्ट की बात जब शुरू हो रही है तो देखिए बायोसिक्युलर एक्ट के नंबर्स तो आने में थोड़ा समय लगेगा, बट मार्केट किस तरह के स्टॉक्स के अंदर में अपनी पोजीशनिंग बनाएगा वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे हिसाब से हर वो कंपनी जो ग्लोबल इनोवेटर्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है उनको सबसे बड़ा बेनिफिट इस बायोसिक्युलर एक्ट का आने वाले समय में मिलेगा। इंडिया जो है वो चाइना जो है वो करीब $40 बिलियन का आज की डेट में एपीआई का प्रोडक्शन करता है, वहीं इंडिया का नंबर है सिर्फ $4 बिलियन, यानी कि चाइना हमसे 10 गुना आज की डेट में एपीआई के अंदर में है। और इस बायोसिक्युलर एक्ट का ये होगा कि अल्टीमेटली जो ग्लोबल इनोवेटर्स हैं वो अपने सप्लाई चेन को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करेंगे दूसरी कंट्रीज में। तो मेरे हिसाब से ये 2013-14 का वो मोमेंट है जहां पर पे हम स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की बात करते थे कि चाइना प्लस वन होगा, अब शायद एपीआई और साथ ही साथ यू नो फार्मा सेक्टर के अंदर में ये वो मोमेंट देखने को नजर आ रहा है। हालांकि जैसे मैंने कहा नंबर आने में शायद थोड़ा सा समय लगेगा, बट इसको मार्केट अब कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी जो है पोजिशनिंग करना शुरू करेगा। तो 5200 पे एक बहुत अच्छा टेक्निकल बेस्ड डिवीज लैब पे है और मैं समझता हूँ 6200 तक की अपसाइड टेक्निकली डिवीज लैब में देखने को नजर आएगी। डिस्क्लोजर, इंडिगो और डिवीज लैब दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बने हुए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच रिप्लेस करने के लिए। डिवीज लेबोरेटरीज है भाई अपना आज का टॉप कॉल की श्रेणी में पोजिशनल पिक। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे बेहतरीन टॉप कॉल्स। गावा सर कैनफिन होम्स के साथ जा रहे, 850 के स्टॉप के साथ खरीदारी। रचना जी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ जा रही है, 1770 के स्टॉप के साथ खरीदना है, सारे खरीदारी के कॉल्स हैं। वैसे बहती साहब परसिस्टेंट सिस्टम्स पे दाव लगा रहे हैं, 5200 का स्टॉप है अपना। सेठ साहब इंटरग्लोब एविएशन पे खरीदारी का कॉल दे रहे हैं, 4830 के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब के रडार पे है पॉली कैप, 6775 का एसएल लगाइएगा। और चतुर्मोता साहब रडार पे रख रहे हैं डिवीज लेबोरेटरीज, 5200 का स्टॉप और 6200 तक के इवेंचुअल पोजिशनल टारगेट्स।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।